हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार अपने परिवार विनर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। आज का जो हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है, तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले 4 वृत्त बनाने हैं। एक जो बाहर से स्पर्श करते हो, 2, 3, 4। हमारे पास ये 4 वृत्त बन गए हैं क्योंकि 4 जो बराबर वृत्त हैं एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तो बाहर से मैंने ये स्पर्श कर दिए, इनकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, मतलब कहने का ये है कि ये हमारे जो 4 वृत्त थे इसमें हमने 3-3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच ली, और त्रिज्या यहाँ पर खींचने के बाद हमारे सामने जो दिखाई दिया एक वर्ग का रूप दिखाई दिया, और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें ये पता है कि ये हमारे पास जो एक आकृति हुई जो बनी हुई दिख रही है, ये हमारे पास एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम पूरे वर्ग का जो है एरिया निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम ए का मान जो मानेंगे वो ए का मान 6 मानेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक इस भुजा की जो कुल लंबाई होगी वो 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर मैंने देखा कि ए का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 36 सेमी स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये वाले जो हिस्से हैं, जो वृत्त का ये त्रिज्या खंड वाला जो रूप है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर हम ये यहाँ थीटा कोण बना हुआ होता है, ये हमारी आर होती है, और ये हमारी जो है ये जो होती है ये त्रिज्या खंड की लंबाई होती है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि अगर त्रिज्या खंड की लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर हो जाता हमारे पास 2πr θ बटा 360, 2πr θ बटा 360। ये पूछता है लंबाई, अगर आपसे पूछेगा त्रिज्या खंड की लंबाई बताओ तो 2πr θ हो जाएगा बटा 360। अगर आपसे पूछेगा एरिया तो वो होता πr² θ बटा 360। एरिया के लिए हमारे पास ये रूल्स हैं, πr² θ बटा 360 परिधि, मतलब इसकी जो लंबाई होगी 2πr θ बटा 360। तो हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब हमारे पास 4 त्रिज्याखंड है, 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। का क्षेत्रफल 4 लगा देंगे क्योंकि 4 हमारे पास त्रिज्याखंड है, πr² θ बटा 360। अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमारे पास थीटा का मान कितना हो रहा है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 90 आ रहा है, थीटा का मान निकल रहा है। यहाँ इन चारों में थीटा का मान कितना आ रहा है, निकल के 90 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से थीटा का मान मिल गया 90, और इसकी त्रिज्या जो मिली वो हमें मिली 3 सेंटीमीटर। पाई का मान यहाँ रख लेंगे, 4 × 22 / 3 × 3 × 90 / 360। ये पाई का मान यहाँ मत रखो क्योंकि इसमें पाई में पूछा, पाई का मान हमने जो है यहाँ पर नहीं रखा। 90 से काटेंगे तो 6 × 9 = 36, 4 से 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9π। अब अगर हम त्रिज्या खंड की लंबाई अगर निकालते हैं तो त्रिज्या खंड की जो लंबाई हम निकालेंगे, त्रिज्याखंड
त्रिज्याखंड के, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, मगर हमें जो निकालना है वो निकालना है चार वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला, ये निकालना। तो हमने जो है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल लिया 36 माइनस 9 पाई, 9 कॉमन लिया, 9 चौक 36 और माइनस का ये हमारे पास 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर होगा 9 ब्रैकेट 4 माइनस का पाई, यही हमारा इसका आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, मैं इस आपको दोबारा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर एक चार वृत्त बनाए, इन चार वृत्तों को आपस में स्पर्श कर दिया, 3 सेंटीमीटर अगर यहाँ तक त्रिज्या इसकी तो 3 सेंटीमीटर इसकी होगी, 3 और 3 6, तो ये 6 सेंटीमीटर की भुजा बनेगी वर्ग की, ये मैंने यहाँ लिखा। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया 36 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास त्रिज्याखंड बनता है वृत्त में से ही, चार हमारे पास त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का रूल से मैंने आपको बताया था, अगर क्षेत्रफल निकालना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 4 × π r² θ/360, इसकी हमने कैलकुलेशन करने के बाद 9 पाई हमारे पास इसका आंसर आया, और हमें निकालना है ये वाला भाग 36 माइनस 9 पाई, क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 36 है, और जब पूरे वर्ग में से ये वाला हिस्सा, ये त्रिज्याखंड वाले हिस्से निकाल देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 ब्रैकेट 4 माइनस का पाई, यही इसका आंसर आएगा।